है सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्रो एंड नूब्रो बंदो, हम अपने चैनल पे बहुत दिन बाद आ रहे हैं। सो गाइस, इस चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट एंड लव का ज़रूरत है। सो गाइस, इस चैनल पे जो जो बंदे नए पहुंच रहे हैं, उस वो बंदे से कृपया निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक ठोके वीडियो को। एंड या अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ तुमको पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देने का प्रयास किया जाएगा। सो गाइस, ज़्यादा ना सोचते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर। सो गाइस, ये हमारा गैलरी में आ गया फोटो। इस फोटो को हम करेंगे अपने ऑटोडेस्क में शेयर। एंड गाइस, यहाँ से हम इसको कर लेंगे हम ट्रांसफ़र एंड इसको पलट लेंगे मिरर की तरह एंड इसको कर लेंगे ठीक। एंड गाइस, इसमें अपने मॉडल को करेंगे ऐड। कहाँ गया हमारा मॉडल? ये रहा हमारा मॉडल। एंड करेंगे इसको ऐड अच्छे तरीके से, अपना मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। एंड गाइस, यार थोड़ा सा ये हो गया। एंड गाइस, नीचे वाले टैब को इतनी करेंगे एंड ऐड करेंगे एक फर्श को। ये रहा एक फर्श एंड इसी के ऊपर हमारा मॉडल बैठ जाएगा। ये हो गया डन। एंड यहाँ से कर लेंगे इसको टिक। एंड गाइस, इसी को एक बार और, इसी फर्श को एक बार और ऐड करेंगे जो रहा ये। एंड इसको करेंगे ऐड एंड इसको कर लेंगे ट्रांसफ़र थोड़ा सा दीवार के तरह, दीवार जो होता है दीवार की तरह अच्छे तरीके से एडजस्ट करके। एंड इसको थोड़ा सा एंड डन। एंड इसको कर लेंगे नीचे वाले पार्ट को इरेज। इरेजर में जाके इसको हम कर लेंगे इरेज थोड़ा साइज अच्छे से। ये हो गया। एंड गाइस, अब आगे थोड़ा सा पिटी ले लेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे हम शैडो क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। एंड ये वाली ब्रश को हम करेंगे यूज़। एंड गाइस, देखिए नीचे में थोड़ा थोड़ा बनना दिख रहा होगा आपको, ब्लैक ब्लैक आ गया ये देखिए। ये हो गया। एंड गाइस, इसको थोड़ा सा ऑपेसिटी कर लेते हैं हम कम, ठीक है। इसका गाइस साइज बढ़ाकर हम अपने बॉडी पे, मतलब बॉडी के नीचे इसको हम उगाएंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा और साइज बड़ा करके हम अच्छे से उगा लेते हैं अच्छे तरीके से हर पार्ट्स को, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको शैडो चाहिए वहाँ वहाँ पे अच्छे तरीके से आप उगा लीजिएगा बैक के नीचे, पैर के पास, ताकि ओरिजिनल दिखने में लगे। एडिट तो ऐसे एडिट ही लगता है, बट ओरिजिनल में करो तो बहुत अच्छा लगेगा आपका। एंड एक इम्पेटी ले लेंगे एंड इसको हम इस पर भी अपना हम साइडों को ही क्रिएट करेंगे। ये वाला ब्रश को हम करेंगे यूज़। एंड ऑपोजिट फ्लो को बढ़ा लेंगे, साइज को अपने हिसाब से रख के हम सिर के ऊपर तुम हल्का हल्का पतला पतला टाइप का आपको साइडों बनाना, ताकि पता ना चले कि साइडों भी है। एंड अच्छे तरीके से पतले पतले तरीके से तुम उगाएंगे। हर एक कोने के शैडो अच्छे तरीके से बना लीजिएगा एकदम गोल करके, आपका शैडो नकली नहीं लगना चाहिए देखने में। जितना भी आप परफेक्ट लिखीजिएगा उतना अच्छा आपका फोटो बनेगा। थोड़ा इरेज कर लेते हैं। पैर के पास अच्छे से गोलाई में पतला पतला शैडो क्रिएट करेंगे, ब्लैक ब्लैक उगाएंगे। जितना आप इसको परफेक्टली कर सकते हो उतना परफेक्टली आप कीजिएगा बस।
जहाँ जहाँ आपको शैडो की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ शैडो को आप दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपका फ़ोटो ओरिजिनल टाइप का लगेगा। आप थंबनेल में देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अगर इस फ़ोटो को ओरिजिनल में देखना चाहते हैं तो मतलब आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे हम फ़ोटो को अपलोड किए वहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज ये हो गया हमारा शैडो का क्लियर काम। एंड गाइज अब अपने फेस को हम करेंगे स्मूथ, इसके लिए हम अपने मॉडल को करेंगे टच एंड इसको करेंगे डुप्लीकेट। एंड गाइज डुप्लीकेट होने के बाद हम अपने ब्रश को चूज़ करेंगे, चूरा ये वाला ब्रश, एंड इसको हम फ्लो को कर लेंगे कम एंड स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से एंड साइज को अपने हिसाब से रख के हम अपने फेस को करेंगे स्मूथ, वो भी अच्छे तरीके से। मैंने हर वीडियो में बोला है जब तक अच्छे तरीके से आप फेस को स्मूथ नहीं करोगे तब तक फ़ोटो आपका अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अच्छे तरीके से स्मूथ कीजिएगा हर एक कोने को जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत होगी। ये हो गया। एंड गाइज इसको कर लेते हैं हम सेव अपने गैलरी में। एंड गाइड यहाँ से हम कर लेंगे हम इसको सेव। एंड गाइज हम अपने जाएंगे हम गैलरी में, ये आ गया हमारा फोटो, देखिए यही है। एंड गाइज इसको हम करेंगे शेयर टू स्नैपसीड, जहाँ हम अपने करेंगे पहले इस फिल्टर को यूज़ करते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं, इसको कट कर लेते हैं। एंड गाइज यहाँ से हम थोड़ा क्लियरिटी थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये हो गया। एंड गाइज अब हम करेंगे डॉजन बर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो ऐसे अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कीजिएगा, जितने अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कीजिए उतना अच्छा ही आपका फ़ोटो बनेगा। तो जहाँ जहाँ आपकी लाइट को मतलब ज़रूरत होगा वहाँ पे आप अच्छे तरीके से लाइट्स को दीजिएगा, ताकि लगे कि मतलब बैकग्राउंड से हमारे लाइट हमारे चेहरे पर आ रही है, या मतलब एडिटिंग तो एडिटिंग होता है बट फिर भी आप जितना भी मतलब ओरिजिनल देने का कोशिश कीजिएगा उतना अच्छा लगेगा आपके फ़ोटो में। एंड गाइस हाथ पे हर जगह पे मतलब अच्छे तरीके से आप दीजिएगा नहीं अच्छा लगेगा। गाइस इस हाथ पे भी दे देते हैं हल्का फुल्का। फ़ोन पे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़ोन पे भी लाइट आएगा सिर्फ चेहरे पे थोड़े आएगा, तो फ़ोन पे भी देना ज़रूरी है अच्छे से। ये हो गया। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस चैनल पे नया हो तो ज़रूर तुम सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत अच्छा लगता है यार। एंड गाइस इसको हम कर लेंगे वीडियो आप एंड इसको कर लेंगे छोटा एंड इसको कर लेंगे डन। एंड गाइस यहाँ से हम करेंगे इसको व्यू एडिट में एंड यहाँ से करेंगे इरेज। एंड गाइस अपने इसको हम चेहरे पर उगाएंगे बहुत परफेक्टली एंड केयरफुली अच्छे से। एंड इसको कर लेंगे डन। एंड गाइस ये हो गया हमारा। एंड इसको हम कर लेते हैं हम ये देख लीजिए थोड़ा बहुत ठीक है। एंड इसको कर लेते हैं अब सेव। इसको सेव करने के बाद हम करेंगे इसको और सेव तो हो जा ना टाइम लगता है सेव करने के बाद। इसको करेंगे हम लाइट रूम में शेयर, यहीं से हम कर लेते हैं इसको शेयर। एंड गाइस ऊपर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ से हम कर लिए इसको ओपन। एंड गाइस यहाँ से सबसे पहला हम ऑटो को हम कर लेते हैं सेलेक्ट। एंड गाइस हम जाएंगे कलर वाले टूल में। एंड गाइस पहले हम इसको वाइट बैलेंस को हम करेंगे ओके पहले ये यहाँ मतलब आप
जितना आप फोटो पे मतलब जहाँ जहाँ देख कर रख कर देख सकते हैं कि मतलब कहाँ पे आपका परफेक्टली अच्छा लग रहा है। गाइस थोड़ा बहुत तो इधर पिला रहते हैं, ठीक है। बैक योग्य कंट्रास्ट थोड़ा सा कम, एंड ठीक है कलर्स पे जाके थोड़ा मिक्स में फेस को वाइट थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एंड डन करके थोड़ा सा क्लियरिटी फिगनिटी थोड़ा सा एंड थोड़ा सा डीएच भी दे देते हैं, एंड इसमें जाके कलर नॉइज डिटेक्शन को आप पूरा ऑन कर दीजिएगा, इससे आपका फ़ोटो बहुत अच्छा रहेगा देखने में। एंड गाइस ये हो गया, एंड सेलेक्टेड टूल में जाके गाइस यहाँ से ग्रेडियंट देंगे नीचे से, ताकि हमारा नीचे का पार्ट जो है थोड़ा शैडो टाइप हो जाए, जिससे कि मतलब फ़ोटो में क्लियरिटी आ जाएगी, जहाँ पे आपका फेस बहुत ब्राइट लगेगा एंड नीचे से मतलब बहुत सिनेमैटिक थोड़ा सा लुक दे देगा, आपको देखने में अच्छा लगेगा। देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा दिख रहा है फ़ोटो। गाइस यहाँ से करने का डन, एंड देखिए पहले ऐसा था अब वैसा हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। एंड गाइस अगर वीडियो में आपको अच्छा से नहीं दिख रहा तो आप इंस्टा पे भी हमको देख सकते हैं यहाँ पे जाके। एंड गाइस अब इसको हम कर लेते हैं शेयर टू गैलरी में, गैलरी में इसको सेव कर लिए एंड जाएंगे गैलरी में। ये गैलरी रहा जो कि ओपन, एंड इसको करेंगे हम शेयर टू पिक्सल लैब। पिक्सल लैब में ओपन करके हम अपना जो मिस्यू का टेक्स्ट होता है ना उसको यहाँ से डन, एंड ए वाले सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ से करेंगे ऐड टू टेक्स्ट, एंड यहाँ से डबल टैप करेंगे एंड इसको यहाँ ओपन, एंड यहाँ पे लिख देंगे मिस यू। आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप जिसके लिए बना रहे हो उस टाइप से आप लिख सकते हो यहाँ पे मिस यू। एंड अपने टेक्स्ट वाले कंटेंट में जाके हम यहाँ से अपना टेक्स्ट को करेंगे चूज, ये वाले रही ये वाला, हाँ ये ठीक है। एंड इसको कर लेंगे यहाँ पे हम ऐड। एंड गाइस इसका आप कलर को हम करेंगे चेंज, एंड गाइस हम मिस को अलग करेंगे यू को अलग करेंगे, तो मिस को हम रेड कलर कर लेते हैं और यू को वाइट ही रहने देते हैं। एंड इसका हम शैडो बढ़ा लेंगे, शैडो निकालने के बाद मेरा फोटो अच्छा दिखेगा। एंड यहाँ से हम कर लेंगे इसको सेव, तो यहाँ से जेपीजी में नहीं पीएनजी में इसको करेंगे सेव। एंड इसको हम कर देंगे अल्ट्रा, जिससे कि फ़ोटो की क्वालिटी एकदम कम नहीं होगा और बहुत अच्छा फ़ोटो आपका बनकर निखर कर वापस आ जाएगा। एंड गाइस ये हो जाएगा सेव हो गया गैलरी में। एंड गाइस आप देख सकते हो हमारी गैलरी में आ गया ये फ़ोटो। सो गाइस अच्छे तरीके से आप देख लो, आँख भर कर देख लो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार नीचे से जाके आप इसका बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। एंड बाकी का बैकग्राउंड कर लेते हैं डिलीट, एंड देखो पहले ऐसा था एंड गाइस अब कुछ ऐसा हो गया। तो गाइस मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।